दोनों दोनों माँ और बेटा सुबह सुबह शीशे के पास चले जाते हैं और एक डांस कर रहा है और एक अपने आपको शीशे में देख रही है। हाय शिवम। तो गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर और मेरी दीदी हो चुकी है तैयार। तो जी हाँ, आज थोड़ा एंजॉय करने वाले हैं हम, मींस कहीं ट्रिप पे जाने वाले हैं। वो बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद कहाँ जाने वाले एग्जैक्ट, वैसे तो थंबनेल में देख लिया होगा, बट उससे पहले मुझे तैयारियाँ करनी है क्योंकि प्रकृति अभी खाना खिला रही है शिवम को। और दीदी तैयार हो चुकी है और अद्विका तैयार हो चुकी है, प्रकृति तैयार हो चुकी है, पर शिवम जैसे कि हर बार की तरह गाड़ी में तैयार होगा। और मैं स्टोर में आया इसको लेने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 5 लीटर की भाई। तो यहाँ पे हमारे दो छोटे तत्व हो चुके हैं तैयार, कहाँ जाने के लिए तैयार हुई है। और आज पता क्या ऐसा था सीन कि इनके एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट हैं और दीदी बोल रही है परसों से अगर स्टार्ट होगी तो फिर मैं कभी घूमने जा नहीं पाऊँगी इस बार, फिर कब जाएंगे हम। और फिर अद्विका तो कैंसिल कर दिया था इसकी मम्मा ने क्योंकि परसों एग्ज़ाम है, तो फिर पापा और फिर पापा ने मनाई इसकी मम्मा ताकि जाओ यार कोई बात नहीं, वैसे भी जिसने अगर नहीं ले जाते इसको आज तो ये नाराज हो जाती ना और फिर पूरा दिन वैसे नहीं पड़ती। अभी हम जा रहे हैं तेल भराने, नहीं तो जब हम जाएंगे बर्फ में तो बीच में कभी भी गाड़ी रुक सकती है, इसलिए हम जा रहे हैं अभी तेल भरवाने। मैं और शिवम रेडी हो चुके हैं, हम सभी रेडी हो चुके हैं, पर एक नहीं आई है, गैस करो कौन। शिवम की मम्मा, क्योंकि वो लेट लतीफ है। और आज हमारे साथ एक नया इंसान भी जा रहा है जिसका नाम है मोनिका ठाकुर, जो कि है किसकी मम्मा है, किसकी मम्मा है, तेरी मम्मा है, हम क्या करें फिर तेरी मम्मा तो। शिवम हमारी रेडी, आपकी मम्मा कहाँ है। चलो आगे पकड़ो तो बेटा वाटर। सोई है ना आपकी मम्मा। हाँ मेरे को पता था, तो अभी भी इसकी मम्मा सोई हुई है, लेट आई है, पता नहीं कब तक आएंगी। प्रकृति भी आ चुकी है और अभी मनाली पहुंच रहे हैं, वक्त है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थैंक्स टू प्रकृति ऑलवेज एज ऑलवेज। और पीछे अद्विका और आव्या सोने वाली हैं ट्रिप में शिवम के साथ, क्योंकि शिवम की आंखों में मुझे नींद बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। नहीं पहुंचे हम प्रीणी, यहाँ से हमने टूवर्ड्स सेथन विलेज जाना है, तो आज आपको एक नया विलेज दिखाएंगे सेथन विलेज। और वहाँ पे जो स्पेशल है जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इग्लू। जी हाँ, आज हम करेंगे इग्लू स्टे। और एक्चुअली रीज़न ये है रुकने का थोड़ा, बिकॉज यहाँ पे 2-3 बंदों की तबीयत ख़राब हो रही है, खासकर प्रकृति की, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद सफ़र कर रही है। शिवम ठाकुर जी सो गए हैं और प्रकृति मैम कैसे लग रहा है आपको, तबीयत खराब हो रही है। बहुत टाइम बाद चेंज कर सकता हूं। नहीं जी मुझे बैठना है, पर बेटे की साइड पर है, मुझे तो बैठना है। तू पहाड़ों में है तो मोड़ तो होंगे। अरे नहीं इधर बैठना है। बस अब इनकी पीछे लड़ाई चल पड़ी यार, मैं तो दुखी हूं। तो यार इनकी लड़ाइयां ऐसी चलती रहेंगी, पता तो है इनकी मम्मा भी है साथ में इसकी, आव्या की तब भी लड़ रही है लड़की, कसम से। सोचो बोला मम्मा से नहीं मान रही, मामा से क्या। फ्रेंड्स फाइनली हम इस खूबसूरत मनाली के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब वी आर रेडी जाने के लिए सेथन विलेज। शिवम उठ गया,
तो बस अब थोड़ा ही रह गया सेथन यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर, तो बस अब मिलेंगे हम सीधा ऊपर इग्लू विलेज में। कहाँ? इग्लू विलेज। तो एक्साइटमेंट पूरी है? तो प्रकृति को नहीं एक्साइटमेंट, बिकॉज उसकी तबीयत खराब है। चुके हैं हम इग्लू विलेज सेथन। तो आई नो थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे आपको इग्लूज दिखाएंगे। जूता निकल गया। और दूसरा भी। शिवम के मेरे को लगता है छोटे पांव है जिसके कारण इसको आ नहीं रहे। प्रकृति रहने दे, दूसरे पहना इसको। कुछ नहीं थी, इसने ज्यादा डीप स्नो में तो जाना नहीं है। मेरे से नहीं मारी होता, मेरे से नहीं मारी होता, मेरे से होता। तो फाइनली माउंटेन फैमिली चल पड़ी है स्नो के बीच में। आज बहुत खेलने वाले हम। आओ कि को ये गिर गया। अदू दोनों हाथ पकड़। कैसा लग रहा है स्नो में शिवा? हाँ मजा आ रहा है। अद्विका शिवा हम कहाँ है? साल के बाद छोड़ दी। शिवा हम? मैं भी 2 साल। हाय शिवा हम। पूरे 2 साल के बाद। प्रकृति जी चले। ये सारे गाने मैंने सुने हुए हैं। भाई प्रकृति। क्या शिवम के ना जूते गिर रहे हैं। चलो भाई चलो। प्रकृति तेरे हार्ड सोल वाले शूज है, लंबी पड़ेगी ना जब। चलो भाई। चारों तरफ स्नो ही स्नो है। थैंकफुली धूप आ गई है, क्योंकि स्नो चाहे जैसी मर्जी हो, हाय प्रकृति, स्नो को हाथ लगा के हाथ ना फ्रीज हो ही जाते हैं। उसे सॉक्स सॉक्स ही डाली है। रुको। हाय शिवम। हाय शिवम बोल रहा है, आज मुझे भूखा प्यासा रख के ये लोग कहाँ घूम रहे हैं। इसका लंच लाई ना तू? लंच तो लाए हैं और लंच टाइम भी हो रहा है, बस अब एक लोग का दर्शन करके इसको लंच कराएंगे। ओ बाबा, जैसा आप देख सकते हैं कि घुटने तक बर्फ आ रही है और थोड़ी देर बाद ये मतलब, नीचे तो बड़ी बारी है। हाँ हाँ, रास्ता बनाया हाँ। मतलब इतने तक बर्फ आ रही है, तो 4 फुट 4 फुट बर्फ है ये। मेरे हाथ ना फ्रीज हो रहे हैं ठंड से। और फाइनली हम पहुंच रहे हैं हमारी सीक्रेट लोकेशन में, जो कि है इग्लू। यहाँ नीचे जो है ये बर्फ पिघल के पानी निकल रहा है। अद्विका और आवेग रखेंगे हम अकेले, तो अब घर नहीं जाना आपने, ठीक है? यहाँ बैठ के तुम लड़ो जितना मर्जी लड़ना लड़ो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। अरे ये कौन निकला, ये इग्लू से कौन निकल रहा है? शिवम। शिवम और उसकी मामा।
खाते हैं यहाँ का इग्लू। मैं अपने साथ लेके चलती हूँ इग्लू के अंदर। अरे शिवो हम भी ले जा रहे हैं। अरे भाई शिवो हमको बहुत मजा आ रहा है इग्लू। तो सबसे पहले आपको झुक के जाना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि हम पढ़ते थे अपने जो हमारे सोशल साइंस की बुक्स होती थी, तो उसमें इग्लू हम पढ़ते थे बचपन में, तो उसी तरह का इग्लू है। ऑब्वियसली वैसे ही है। चलो चलो। ऐसा कि हम सब आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि इग्लू कैसा होता है, बस वैसा ही इमेजिन कीजिए, बस वो ही है ये। और अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। एंट्रेंस जैसा आपको दिख रहा है छोटा सा है एंट्रेंस का डोर जो है, और उसके बाद डोम शेप्ड इस तरह का अंदर का जो है। हाँ, 12x8 feet लगभग इतना इसके स्पेस है। और शिवो हम जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उसको मजा आ रहा है क्योंकि उसकी हाइट का ही है एक्चुअली। और ये आवे भी आ चुकी है। इनको ये है ना अपना डॉल हाउस काइंड ऑफ लग रहा है। आवे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो इग्लू है, इग्लू के अंदर जो है बेडिंग है की हुई, तो रहने के लिए काफी स्पेशियस है। और कौन कौन स्टे करेगा इग्लू में? ये हम सब स्टे करेंगे इग्लू में। और मुझे शिवो होम की सबसे वो लग रही है, ये तब से अंदर बाहर अंदर बाहर वो फुल मजा ले रहा है ना, क्योंकि उसी की हाइट का है, क्योंकि ज्यादा लंबे बंदे को तो भाई लेट के आना पड़ेगा। और ये देख सकते हो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पत्थर से हार्ड हो चुका है। तो इग्लू जो है, जो स्नो होती है उसको बिल्कुल हार्ड करके, हार्डन करके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, तो उन ब्लॉक्स ऐसे ही फिर फाइनली इसको बनाया जाता है। And who we are Eskimos. देखो, Eskimos कहाँ होते हैं? मामू, आप से curious। हाँ जी। शिवम क्या बोल रहा है प्रकृति? शिवम बोल रहा है बच्चो के मेरे को बत्तू खाना है। बत्तू खाना है? वो हम की क्यूट सी ड्रेस जो आप देख रहे हैं, ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल इस मामले में है क्योंकि ये है इसकी मामा की, मतलब मेरी है ये एक्चुअली। तो ये जंप सूट जो है मुझे पापा लेके आए थे, उसके बाद मेरे बाद ये अनुभूति ने पहनी है, अमूल्या ने पहनी है, फिर उसके बाद मेरी मासी के बच्चों ने पहनी है, और फिर वापस ये आ चुका है मेरे पास अगेन। वंस अगेन ये शिवो हम पहन रहा है, तो मतलब कितनी जनरेशन इसने मतलब देखी है और पहनी है, यूज की गई है। गिरने में है, गिरने में। बजा लिया। यहाँ पकड़ता है यार, यहाँ कहीं पकड़ता है एकदम यहाँ। फिर तो ऐसे लगता है कि कौन सा गियर लगा दिया होगा। फिर जो अद्विका का मजा है, कितना मजा है। तो अद्विका का काफी मजा है, पर थोड़ा आप या डर गई, कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं है, अगली बार ठीक है। अभी बड़ी हो जाएगी जैसी तू, तब तू बिंदास होके वो करेगी। पहले मैं सोचता था मैं ट्यूब राइड ना बड़ा आराम से थी, मेरे लगता बंदे भाई कसम से यहाँ तो बड़ी भयंकर है लास्ट वाला पॉइंट ये वाला जो है भाई तेरे में अथकी ना चुप रहा नहीं करनी आता राज्य होगी तेरे लिए तो लगा कर गीला थोड़ी ना अंदर से गीला है नहीं है गीला अंदर अरे मार तो यहाँ पे ग्लू पॉइंट में अब ये इसको कहते हैं ट्यूब राइड और भाई ये जितनी सिंपल लगती है देखने में उतनी है नहीं उतनी है नहीं और यहाँ पे स्लोप भी बड़ा भयंकर है वैसे ऊपर से ये कलिया सॉफ्ट था ना कलिया तो फ्रेंड्स अभी प्रकृति वगैरह पहले जा चुकी हैं बिकॉज शिवो हमको खाना वगैरह खिलाना था। मैं थोड़ा बहुत शूट कर रहा था क्योंकि शूट इतना खूबसूरत लोकेशन पे आए हैं और शूट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे
साथ में जला है बॉनफायर। अब बैठेंगे हम थोड़ी देर बॉनफायर का मजा लेंगे बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ मैं तो रो रही थी बेचारी यार। पता है मैंने देखा ना छोटी मामा छोटे पापा ने बोला था ना कि छोटे पापा और आप करोगे। नाच चलना स्टार्ट हो गया है? ये तो नॉर्मल बात है। क्यों इतना ठंड रहा? चलो खाना खाए। ओहो ऊपर से मेरी फेवरेट बनी है राजमा चावल। तो फ्रेंड्स कभी भी पहाड़ों में आओ तो याद रखना हिमाचल हो चाहे कहीं भी पहाड़ों में राजमा चावल जरूर खाना। चम्मच से ना पहाड़ी लोग नहीं खाते चम्मच से। प्रदीप फिर मजा आ रहा है राजमा चावल खाने का इस स्नो के बीच में? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है राजमा चावल। अच्छा लग रहा है? हाँ, राजमा चावल और कड़ी मजा आ गया ना। पर क्या समझे आज का जो मेरा सबसे फेवरेट चीज थी जैसे जब आप उछली ना दू कैसे उछली पता है? और अगर आप खाना अगर खाना। राजमा और कड़ी को अगर मिक्स करोगे तो आएगा दही जैसा टेस्ट। चाहे आप दही डालो। और शिवम यहाँ अपने उसमें लगा हुआ है बिजी है वो नापने में। अच्छा किसमें ज्यादा पानी आया किसमें कम। ठीक है तो फ्रेंड्स एक बार फिर से जा रहे नीचे क्योंकि मैडमों को फोटो शूट करना है। और सबसे बड़ी बात भाई इग्लू में खूबसूरत इतना है ना खूबसूरती के मतलब 100 में शायद मैं 120 दे दूँ इसको इतना खूबसूरत है। बट भाई रहना थोड़ा सा टफ होगा। दीदी गिरी शिवम इतना एक्साइटेड है कि क्या बताएं। मत शिवम हमको भी वो शरारत करनी है जो आज मैं तो घुस गया। हाउ आर यू फीलिंग शिवम? क्या मजा आया शिवम के चक्कर से? तो भाई हमें तो बहुत मजा आया ट्यूब राइड करने का और अब फाइनली सोने का वक्त आ गया है। चलो अब सोते हैं सब। चलो अंदर सोना हमने। देखो ये होगा मेरा प्रकृति और अद्विका का इग्लू। चलो फिर बाय गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। अब हम चले अपने इग्लू में सोने क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अब हमने सोना है। चलो भाई अब हम अपने घर के अंदर जा रहे हैं। हाय चलो फाइनली हम घर के अंदर पहुंच चुके हैं अपने। कैसा लगा आपको आज इग्लू में आके? बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स देखो पता क्या है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। और शिवम भी लगभग दो साल का है तो इसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल बैठ गया। और हमारे साथ सोने एक और आ गई है जिसका नाम है अद्विका ठाकुर। और शिवम देखो कितने मजे ले रहा है यार। गुड मॉर्निंग आव्या। गुड मॉर्निंग दीदी। और दीदी स्नोमैन बना रही है तोड़ रही को समझ नहीं आ रहा है। बस बस बड़ा अच्छा बनाया दीदी ने। तो अब अद्विका और मैं आएंगे ट्यूब राइड ऊपर से करते हुए। तो ट्यूब राइड के लिए पहले ट्यूब खींचनी पड़ती है ऊपर तक जो कि अद्विका का पकड़। तो अभी छोटे पापा खींच रहे हैं ट्यूब राइड और वहां पे हवे और बुआ देख रहे हैं हमार को। तो यार मेरी वाली वीडियो नहीं आई जिस तरह मैं गिरा था कसम से। मेरी थोड़ी बहुत आई है स्लाइड करते हुए की। पता है मेरी मुंडी नीचे घुस गई थी बर्फ में पर मजा था ना देखने का अगर वो आती तो। अब मैं दूसरी बार स्टंट नहीं कर सकता मैं।
इस टाइम आप मेरी शक्ल देख सकते थे, मुझे इसका दुख नहीं था कि मेरी पलटियाँ हुई और मेरा जो सर था वो बर्फ़ के नीचे धंस गया था। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो शॉट नहीं आया। और पहले थैंक्स टू दीदी जिन्हें, अब वो नए हैं, उन्होंने पहले कभी कैमरा पकड़ा नहीं जिसके कारण वो शॉट नहीं आया, तो उनको भी मैं क्या बोलता। बट बोलते ना, जो चीज़ आप शिद्दत से चाहते हैं उसका कुछ ना कुछ भगवान करता है। और थैंक्स टू जो सुनील भैया थे, उन्होंने गलती से मेरी वीडियो बना ली, तो ऐसा करिए आप उसका मज़ा लो। और ज़रूर बताना यार ये वाला पार्ट कैसा लगा आपको। हाँ अब मैं दूसरी बार स्टंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि भाई वो खिल गया मैं पीछे से भी लास्ट पॉइंट था बड़ा बुरा। लास्ट पॉइंट में मेरे को लगा गर्दन गई सर था मतलब के अंदर। चलो क्या कर सकते हैं, तो अब चलेंगे हम वापस घर की ओर। अभी भाई वो वाला पॉइंट है ना जो खराब वाला पॉइंट, उसको ठीक कर रहे हैं। Finally we are going back. हम वापस जा रहे हैं और इस खूबसूरत से इग्लू स्टे को करने वाले हैं अलविदा। तो इसी के साथ अब मिलाते हैं हम यहाँ के करता धरता तेंजिन भाई से। तो यहाँ के भाई हमारे तेंजिन भाई हैं जो इन इग्लू को संभालते हैं यहाँ पे प्रॉपर। हेलो हेलो। तो भाई किस तरह है, क्या है यहाँ पे, किसने स्टे करना हो? हाँ जी, तो इग्लू स्टे जैसे आपने वैसे भी दिखाया, हमारे पास 3 इग्लू है यहाँ पे और हमारे पास सारी फैसिलिटीज है जो यहाँ पर है। उसमें हमारा जो पैकेज रहता है वो रहता है 5,000 पर पर्सन। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, रहना, स्टे, फूड और एक्टिविटीज सब कुछ इसमें आ जाता है। और प्लस इसका पिकअप एंड ड्रॉप चार्जेस रहता है 3,500। 6 लोग आ सकते हैं एक राइड में, जिप्सी में। 3,500 में की क्या? हाँ जी 3,500 में। ओके, ओके। हाँ जी 6 लोग आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। और बाकी देखिए सब फैसिलिटी है, आपने दिखाई दिया वो तो। हाँ, तो आपको अगर जैसे लग रहा हो ना 5,000 पर पर्सन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अभी दिन को तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल लगता है, रात को लगना असली जो पता लगता है वो रात को लगता है कि सोच लो पानी जम जाता है, सब कुछ जम जाता है और उसमें सब कुछ बर्फ़ दिख रही है ना कितनी कितनी ऊपर। टेंशन फ्री हो गया, आप आए हैं और यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। फिर चलें? ठीक है दीदी, फिर चलें। तो मनाली सिटी का व्यू कुछ ऐसा है, ऊपर से हाइट से कुछ ऐसा दिखता है मनाली। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं रूम में और हालत और इतनी हालत खराब है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। अद्विका का एग्जाम है परसों और बेचारी थकी हारने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, क्या करना है, एंजॉय करना तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ ना शिवम, शिवम भी पढ़ रहा देख तेरे साथ। तो शिवम ठाकुर भी आ चुके हैं अब घर वापस, घर के साथ साथ खाना खा के भी वापस आ चुके हैं। आज बहुत ज्यादा मजा आया, मजा आया ना आपको? मजा तो आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अब सोना भाई, अब चित्त होके सोना है। बस शिव हम अपना एंजॉय कर रहा है, बस वो एक एनर्जेटिक बच्चा भी, क्योंकि वो सारा जितने भी हम ट्रेवल किया कितना, हाँ। तो उसमें मजे से सो रहा, जाते वक्त भी आते वक्त भी, तो ठीक, ही इज फाइन, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और जाने से पहले प्लीज बताना यार आप लोगों को कैसा लगा ये, और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ। और हाँ सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।